हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक बक यानी कि जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में सो so इस कंपनी का आईपीओ आ गया है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मिनिमम क्वान्टिटी फिफ़्टी फोर शेयर्स का प्राइस रेंज है फ्राम टू 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 सेवेंटी सो अगर हम एक लॉट खरीदते हैं एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ तो उसका अमाउंट होता है थर्टीन थाउजेंड इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर इशू साइज ऑफ़ फोर करोड़ नाइनटीन लाख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट थर्टी शेयर्स का चलिए आईपीओ की टाइमलाइन देख लेते हैं ऑफर स्टार्ट होता है ऑन थर्टीन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑफर एंड होता है ऑन एटीन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर होता है ऑन नाइन्टीन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर रिफंड इनिशिएट होता है ऑन ट्वेंटी एथ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्रांसफर होता है ऑन ट्वेंटी एथ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर लिस्टिंग होता है ऑन ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और मैंडेट एंड होता है ऑन थर्ड दिसंबर 2024 तो यह है कंपनी का आर यानी कि रेड ईयरिंग प्रोस्पेक्टर्स इनका कंपनी रजिस्टर्ड है इन बेंगलुरु कर्नाटका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ एक रुपये यहाँ पर प्रमोटर्स के नाम भी मैंशनड है रिस्क इन रिलेशन टू द फर्स्ट ऑफर भी यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनीज़ एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स एफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर मैंशनड है रजिस्टर ऑफ द ऑफर बिड और ऑफर पीरियड भी मैंशनड है तो इस रिडेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जैसे कि रिस्क फैक्टर्स इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड मच मोर सो एक बार इस आर को जरूर पढ़ लीजिए यह आपको एन एस के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा चलिए जान लेते हैं अब और जिंका लॉजिस्टिक सोल्यूशन लिमिटेड के आई के बारे में इट इज़ अ बुक बेड इशू ऑफ वन थाउजेंड हंड्रेड एंड फोर्टीन पॉइंट सेवन टू करोर रुपीज़ दिस इशू इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ टू पॉइंट जीरो वन करोर शेयर्स तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जैसे कि लॉर्ड साइज़ है फिफ्टी फोर शेयर्स का टोटल इशू साइज है ऑफ़ फोर्टी पॉइंट एट मिलियन शेयर्स फ्रेश इशू है ऑफ ट्वेंटी पॉइंट वन मिलियन शेयर्स ऑफर फॉर सेल भी यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्टिंग एंड बी एस सी एन एस सी शेयर होल्डिंग प्री इशूज़ वन फिफ्टी सिक्स मिलियन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा वन सेवेंटी सिक्स मिलियन यहाँ पर आप आई पी ओ रिजर्वेशन भी देख सकते हो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टेन परसेंट रिजर्व है आई पी ओ एंकर इन्वेस्टर डिटेल्स की जानकारी भी देख लेते हैं एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर फिफ्टी परसेंट शेयर्स और नाइनटीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर रिमेनिंग शेयर्स ऑन सेवनटीन फेबरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव आई पी ओ के टाइम लाइन हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी आई पी ओ लॉर्ड साइज भी यहाँ पर आप देख सकते हो आई पी ओ प्रोमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं शेयर होल्डिंग प्री इश्यूज थर्टी टू पॉइंट नाइन वन परसेंट शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट फोर परसेंट

एज ऑफ थर्टी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इनका रेवेन्यू है नाइन्टी एट पॉइंट थ्री थ्री करोर्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थर्टी टू पॉइंट थ्री एट करोर्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि के पी देख लेते हैं आर ओ ई इज़ नाइन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट आर ओ सी इज़ वन पॉइंट फाइव परसेंट डेट टू इक्विटी पॉइंट फोर सेवन आर ओ एन डब्ल्यू इज नाइन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट पी वाई बी बी रेशियो इज़ फोर्टीन पॉइंट सिक्स यहाँ पर हम आई पी ओ का पीयर कंपेरिजन भी देख लेते हैं प्री आई पी ओ पी एस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है ट्वेल्व पॉइंट फोर वन पोस्ट आई पी ओ होगा सेवन पॉइंट थ्री फोर प्री आई पी ओ ई पी एस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है माइनस ट्वेल्व पॉइंट फोर वन और पोस्ट आई पी ओ वो होगा सेवन पॉइंट थ्री फोर प्री आई पी ओ पी रेशो माइनस ट्वेंटी टू पोस्ट आई पी ओ वो होगा थर्टी सेवन पॉइंट टू चलिए ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देख लेते हैं यानी कि जो भी पैसा आई पी ओ से रेज होगा उसका कंपनी क्या करेगी वो यहाँ पर मैंशन है for funding towards sales and marketing costs, investment in Blackbuck FinServe Private Limited, its NBFC subsidiary, for financing the augmentation of its capital base to meet its future capital requirements for funding of expenditure about product development and general corporate purposes. तो चलिए जान लेते इस वेबसाइट का रिव्यू तो यहाँ पर मेंशन है दैट यू में अप्लाई इन दिस आईपीओ ऑल्दो यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आईपीओ The company is one of the leading digital platforms for the truck owners, providing them all related services under one roof. The company posted losses till FY24 and has turned the corner from Q1 FY25. Based on FY25 annualized earnings, the issue appears aggressively priced. सो so ये था हमारा आई पी एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिविडेंड न्यूज़ स्टॉक स्प्लिट्स शेयर्स एंड आई पी एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे हेड